म बैक टू माई YouTube चैनल आज का जो वीडियो है वो मेरा एक पर्सनल फेवरेट वीडियो है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एक नायका हॉल होने वाला है मैं जो है नाइका पर हमेशा शॉपिंग करती रहती हूँ फिर चाहे वो स्किन केयर हो हेयर केयर हो चाहे हम मेकअप की बात करें सो so, कोविड होने से पहले मैंने कुछ जो सामान है नाइका से ऑर्डर किया था देन मुझे जब कोविड हो गया तो मैंने देखा नाइका पर बहुत अच्छी बर्थडे सेल चल रही थी बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे तब तो भी मैंने कुछ चार से पाँच आइटम्स मंगवा ली सो so, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ ऑल्सो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा आज लास्ट डे है आइसोलेशन का मैं कल इस रूम में से बाहर निकलने वाली हूँ और उसकी खुशी आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो सो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करती सकती हूँ तो पहले मैंने मंगवाया है ये नायका का कलड क्लेट ऑयल कंट्रोल फेस मास्क अगर आपको नहीं पता तो मेरी स्किन है वो बहुत ऑयली है सो so, मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ इसका प्राइस था कुछ अराउंड 600 पर ये सेल में मुझे 300 में मिल गया आई मीन सीधा ही 50 परसेंट ऑफ हो गया और ये बहुत ही क्यूट सी इसकी पैकिंग है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्राम इनसाइड पर्पल कलर का ये ऑयल कंट्रोल क्ले मास्क है पर इसकी जो स्मेल है वो मुझे समझ नहीं आ रही है. मतलब थोड़ी सी वेअर्ड स्मेल है बट मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करने वाली हूँ जब मैं इस रूम से बाहर निकलूँगी उसके बाद मैंने मंगवाया है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ये मेरी सेकेंड बॉटल है इसके जो फर्स्ट बॉटल है वो खत्म होने वाली है तो मैंने इसे रीस्टॉक कर लिया अब स्विस ब्यूटी की बात कर ही रहे हैं तो स्विस ब्यूटी के कंसीलर की बात भी कर लेते हैं ये भी मेरी जो है सेकेंड और थर्ड बॉटल है नॉट श्योर और ये इतना अच्छा कंसीलर है ना इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और मेरा शेड है इसमें जीरो थ्री हनी अगर आप कोई अच्छा एंड अफोर्डेबल कंसीलर देख रहे हो जो आपको डेली में यूज़ करना हो सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए पूरा फेस आप नहीं करना चाहते तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ऑल्सो आई बिलीव कि स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली एंड बहुत अच्छे हैं मेरे पास स्विस ब्यूटी का दो तीन आई शेडो पैलेट्स भी हैं और उनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इवनिंग मेकअप लुक तो उसमें जो मैंने पैलेट यूज़ किया था वो स्विस ब्यूटी का ही था अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए मैं स्क्रीन पे उसका लिंक मेंशन कर दूंगी सो या डू ट्राई दिस उसके बाद मैंने नायका का ये मैट नेल पेंट मंगवाया है ये न्यूड में है आई लव न्यूड कलर्स फिर चाहे वो नेल पेंट हो चाहे वो लिप शेड्स न्यूड जो है वो हर कलर के साथ जाता है हर स्किन टोन पर जाता है स्पेशली इंडियन स्किन टोन पर तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और मैट नेल पेंट तो मेरे फेवरेट है मतलब और ये नेल पेंट जो है नायका का ये दस से पंद्रह सेकंड के बाद ही मैट हो जाता है

देखा होगा कि मैंने प्लम का जो है, वो किया था वो मेरा स्क्रब जो है वो खत्म हो गया था तो मैंने उसे रीस्टॉक कर लिया है जो ग्रीन टी है वो ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपको भी मेरी तरह ओपन पोर्स हैं तो आप डेफिनेटली ग्रीन टी वाला प्लम का स्क्रब ट्राई करके देखिए ग्रीन टी के और प्रोडक्ट्स यूज करके देखिए आपको जो है वो सच में बहुत डिफरेंस फील होगा और ये इसके साथ मैंने जो है नाइट जेल भी मंगवाया था वो अभी मेरे पास नहीं है ऑल्सो इस पर बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था इसके साथ मुझे ये फ्री का सामान भी मिला है और फ्री के प्रोडक्ट्स की तो बात ही कुछ और होती है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है इसमें मुझे पूरी सी टी एम रूटीन मिली है अपना फ़ेस वॉश टोनर एंड नाइट जेल भी मिली है और सच बताऊँ तो मैं इन्हीं के लिए जो है शॉपिंग करती हूँ जब मुझे पता हो कि आपको ये किट मिलने वाली है तो मैं बड़ा प्रोडक्ट भी जो है उसका वो ले लेती हूँ ऑल्सो ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है आपको कहीं जाना है आप इनको ईजिली कैरी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कैरिंग बड़ी बॉटल्स ये छोटे छोटे पैक्स जो मिलते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फ्री में मिले हैं तो मुझे और भी अच्छे लगते हैं खुशी तो आप मेरे चेहरे पर भी देख ही सकते हो मतलब फ्री के सामान की खुशी वो होती है ना कुछ अलग ही होती है सर मेरे पास ऐसे ही फ्री में जो ये छोटे छोटे पैक्स हैं मेरे पास वाओ wow के भी हैं मामा अर्थ गुड वाइब्स सभी के पड़े हुए हैं सभी ब्रांड्स जो हैं ऐसे फ्री फ्री मिलते हैं तो मैं वो डेफ़िनेटली जो है परचेज़ कर लेती हूँ ऑल्सो इनका बेनिफिट मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि आपको पता लग जाता है ये आपके स्किन पे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सो इंस्टेड ऑफ़ कि आप वो बड़ी बॉटल्स मंगवाओ या बड़ा जो फेस वॉश है उसे ऑर्डर करो उससे अच्छा है कि आप एक बार इन्हें यूज़ करके देख लो फ्री में ही आया है वैसे भी कुछ इतना नुकसान तो होगा नहीं नहीं सूट किया तो ठीक है सूट किया तो बड़ा बॉटल मंगवा लीजिए मेरी तरह सो so, इसी पैकिंग में मुझे वाओ का जो है फेस वॉश रिसीव हुआ था उसके शैम्पू और कंडीशनर के साथ तो मैंने उसे यूज़ करके देखा मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि मुझे उसकी बड़ी बॉटल मंगवानी चाहिए तो मैंने उसका ये बड़ा पैक अभी मंगवाया है ये है विटामिन सी फेस वॉश ये बहुत ही अच्छा है और ये पैराबिन सल्फेट एंड सिलिकॉन फ्री है ऑल्सो ये, ये यूज़ करने के बाद आपकी जो स्किन है उसमें एक ब्राइटनिंग इफेक्ट ऐड करती है और स्किन जो है बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाती है सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो वाओ का विटामिन सी फेस वॉश उसके बाद मैंने ये फोर लिप शेड्स मंगवाए हैं इसमें से दो हैं मेरी मदर के लिए एक है मेरा और एक है मेरी भाभी का सो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि शेड्स कैसे हैं दो है लेकमे की और दो है नायका की लव नायका की लिपस्टिक्स ये बहुत अच्छी हैं और बहुत मैट एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहती हैं सो मैं जल्दी से आपको शेड्स दिखा देती हूँ लेकमे में मेरे पास दो शेड्स हैं एक शेड है ये जिसका नाम है सी आर सिक्स ये मैंने अपनी मदर के लिए मंगवाया है उनको ऐसे ही डार्क शेड्स पसंद है मरूनिश एंड ब्राउनिश नेक्स्ट शेड है ये विच इज़ सी एम टू और ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसमें चॉकलेटी स्मेल है आई लव वो लिपस्टिक्स जिनमें अच्छी सी स्मेल आती हो उसके बाद है ये नायका का नायका का बहुत ही अच्छा प्यारा सा लाइट पिंकिस सॉर्ट ऑफ शेड इसका जो शेड का नाम है वो है थर्टी फोर एमगोन रोज और ये मैंने अपने लिए मंगवाई है वैसे मुझे न्यू शेड्स ज़्यादा पसंद है मोर इंटू लाइक न्यू शेड्स बट मैंने ये एक पिंक सा शेड मंगवाया है कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए बस लिपस्टिक की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है कि इसमें जो ये ऐसे मैगनेट मिलती है आई लव दिस टेन है ये नायका का बहुत ही प्यारा सा लिप शेड इसकी पैकिंग मुझे इतनी पसंद है ना आई लव दिस मतलब ये जो मैट ऐसे पैकिंग होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही अच्छा एक न्यूड सा शेड है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस चाहे ये भाभी की है बट मैं भी यूज़ कर लूँगी इसको टेन मैंने ये मंगवाई है मेब्लिन फिटमे की छोटी फाउंडेशन ट्यूब ये मुझे बहुत क्यूट लगती है ये भी मेरी सेकंड बॉटल है ऑल्सो ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली भी रहती है और इजी टू कैरी है मतलब डेली यूज़ के लिए ठीक है जैसे मैं जो मेरा स्लिंग बैग है उसमें मैं इसको रख लेती हूँ और यूज़ करना भी एफिशिएंट रहता है इंस्टर्ड ऑफ कैरिंग वो बड़ी बॉटल आपको अगर बड़ी बॉटल आप नहीं लेना चाहते हैं आपको लगता है कि वो अफोर्डेबल नहीं है तो आप ये छोटी वाली ट्यूब जो है इसकी ट्राई कर सकते हो इसमें भी बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है ये भी लॉन्ग लास्टिंग है आराम से आपके सिक्स मंथ्स तो इसमें निकल ही जाएंगे सो तो आप डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हो अगर आप बड़ी बॉटल नहीं लेना चाहते तो अब बायोटिका फेस वॉश हो गया है बायोटिक का सन ब्लॉक भी हो गया है तो बायोटिक का स्क्रब भी बात कर लेते हैं बायोटिक के स्क्रब की अगर आप कोई अफोर्डेबल स्क्रब देख रहे हो अगर आप प्लम का स्क्रब नहीं लेना चाहते तो आप डेफिनेटली बायोटिक का स्क्रब ट्राई कर सकते हो ये बहुत ही अफोर्डेबल है और ये एक ही यूज़ के बाद आपकी जो स्किन है आपको सॉफ्ट फील होगी मैंने इसको खुद ट्राई करके देखा है मेरे पास इसका बड़ा कंटेनर था जो मैंने फिनिश कर दिया है तो अब मैंने ये छोटी वाली जो है ट्यूब मंगवाई है छोटी बॉटल मंगवाई है ये पपाया वाला है पपाया वर्क्स बेस्ट फॉर ऑयली स्किन एंड ओपन पोर्स मैंने ये अपनी फाइव मिनट स्किन के रूटीन में भी बताया था आपको कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप पपाया एक्सट्रैक्ट वाला जो भी फेस वॉश है वो ट्राई करके देखिए आपको डेफिनेटली वो सूट करेगा तो मैंने उसका ये बायोटिक का स्क्रब भी मंगवा लिया है सो so, अब बात करते हैं इस हॉल के मेरे सबसे फेवरेट आइटम की वो है ये एम कैफीन का रॉ एंड नेक्ड बॉडी स्क्रब इस पर मेरी बहुत टाइम से नजर थी मैं बहुत टाइम से इसको लेना चाहती थी बट मैं श्योर नहीं थी क्योंकि मैंने कभी बॉडी स्क्रब यूज़ नहीं किया एज सच सो so, अभी मुझे इस पर बहुत अच्छी सेल मिल रही थी बहुत अच्छे प्राइस पे ये मुझे मिल रहा था बहुत अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने इसे मंगवा लिया है डील से मेरा मतलब है कि मुझे भी इसके साथ एक कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे थे और वो बहुत क्यूट लग रहे थे तो मैं इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने इसे मंगवा लिया है सबसे पहले मैं आपको इस ये दिखा देती हूँ फिर फ्री वाले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं सो दिस इज हाउ द कंटेनर लुक्स लाइक ये कांच का है और इसके साथ आपको एक वुडन का स्पून भी मिलता है जो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है सो so, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है इसको आपको वेट बॉडी पर अच्छी तरह स्क्रब करना है स्पेशली आपके जो नीज़ हैं टोज और एल्बोज हैं जो थोड़ी ज़्यादा ब्लैकिश होती हैं उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो मैंने ये ट्राई नहीं किया है ये मेरा फर्स्ट ही परचेज़ है अगर आप चाहते हो मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी मुझे कमेंट करके आप बताइए आप बात करते हैं इसके साथ जो फ्री मिला है वो है ये सो इसको मंगवाने के पीछे का रीज़न है ये ये जो पोटली है इसके साथ फ्री मिली है तो मुझे ये इतनी क्यूट लगी और मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने इसे मंगवा लिया तो so, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है जो कि डीज क्यूट लिटिल जार्स ये इतने क्यूट लगे मुझे कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैंने बड़ा वाला बॉटल मंगवा लिया सिर्फ इनके लिए कि ये मुझे फ्री मिलेंगे मतलब इससे ज़्यादा पागलपन और क्या ही हो सकता है या दैट्स हाउ आई एम सो so, यहाँ पे मेरे पास है बॉडी स्क्रब बॉडी स्क्रब स्कैल्प स्क्रब एंड फेस स्क्रब स्कैल्प स्क्रब जो है वो मैंने पहली बार ही सुना है उसको क्या है वेट बालों में आपको अपने स्कैल्प लगा के अच्छी तरह मसाज करनी है दो से तीन मिनट के लिए देन आपको शैम्पू से रिंस कर लेना है मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करने वाली हूँ और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसका बड़ा मॉडल डेफिनेटली मंगवाऊंगी क्योंकि मुझे ये बहुत एडिक्टिव लग रहा है और कॉफी हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है ये तो हमें पता ही है बट कॉफी हमारे हेयर्स के लिए अच्छी होती है कि नहीं ये मैं ट्राई करके देखूंगी और मुझे इसके साथ ये छोटे सा फेस स्क्रब भी मिला है जो बहुत क्यूट है जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये छोटे शोट छोटे पैकिंग जो है वो बहुत क्यूट लगते हैं और इनको मैं संभाल के रखती हूँ यूज़ करती हूँ बट बहुत कम यूज़ करती हूँ मोस्टली ट्रैवल के लिए यूज़ करती हूँ कि अगर कहीं जाना है तो यूज़ कर लूँ आई एम इन लव विद दिस क्यूट जार्ज और जब से ये आए हैं मैं इनको चार से पांच बार खोल के देख चुकी हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास है यहाँ पे नायका का स्लीपिंग मास्क ये है रेटिनॉल एंड हेलोरॉनिक एसिड हेलोरॉनिक एसिड जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई प्ले रहा है एवरीबडी इज़ लाइक यूजिंग हाइलॉनिक एसिड का सीरम ऑयल कंट्रोल जो भी है तो मैंने ये स्लीपिंग मास्क मंगवाया है और मैं मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया इस पर लिखा हुआ है कि आपको इसको रात को सोने से पहले इसकी अच्छी सी एक थिन लेयर अप्लाई करनी है एंड सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश कर लेना है सो so ये कुछ दो से तीन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पहली बार मंगवाए हैं उनको मैं डेफिनेटली ट्राई करके आपके साथ शेयर करूँगी रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है मुझे कमेंट करके बताना है सो so, ये था मेरा आज का छोटा सा एक नायका हॉल आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो गिव दिस वीडियो है बिक एंड मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ टिल देन आपको पता है आपको क्या करना है अपना और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है मास्क पहनिए सैनिटाइज कीजिए एंड सिक्स फीट की दूरी बनाकर रखिए बाय